हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, अभिजीत छाबड़ा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मतलब वीडियो है ये, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपने पहले से वीडियो देख रखी है तब भी आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले स्किप हो जाती हैं, तो वो क्या होता है कि जब दोबारा वीडियो देखते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसे, और शेयर करें वीडियो को, और इसे लाइक ज़रूर करें, और सनातनी होने पर प्राउड फील करें। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है, और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत छाबड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है, वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए हैं, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलाबाद्या और अभिजीत छाबड़ा द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। दोस्तों नमस्ते, जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत छाबड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो, सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था, और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर, आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन, जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, राइट? अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे, ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना, एट्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4000 साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स, तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके, तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है, मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर DNA है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ये फादर टू सन पास होता है, तो उसके अंदर जो म्यूटेशन है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है।
और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है. तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं. और वो म्यूटेट होता है. हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है. मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या हाँ. अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है. हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है. और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं. यस, 23 पार्ट्स होते हैं. हाँ, ठीक है. और मान लो जो मेल डीएनए होते हैं, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो गया, फर्टाइल हो चुका है एक. हाँ, एग फर्टिलाइज हो चुका है. फर्टिलाइज हुआ, यस. तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा. स्पर्म में एक्स वाई होता है और एग में एक्स एक्स होता है. ओके. अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर एक्स वाई होता है तो मेल होगा, एक्स एक्स ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगा. ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है. हाँ. अभी जो एक्स वाई है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में एक्स वाई हो तो आप एक आदमी बन जाओगे और एक्स एक्स पुरुष बन जाओगे. yes. और अगर एक्स एक्स हुआ तो आप औरत बन जाओगे. yes. पर वो जो एक्स वाई है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे. पर वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशन है. मतलब जो आपकी आपके पिताजी की चेन है. हाँ. आपके पिताजी, आपके दादा, आपके परदादा, हाँ, वो डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स. हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं. और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइड में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है. तो उस वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर. तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए. ओके. इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं. हाँ, यस. यही लॉजिक है. यही लॉजिक है कि आप अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है तो आपने कहा कश्यप. हाँ. मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है. बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है. हाँ, कि गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है. हाँ, am I right? Yes. Okay. It is a patrilineal lineage, गोत्र. Okay. Okay. लेकिन जेनेटिक्स में matrilineal lineages भी होते हैं. भी होते हैं. Yes. Now sir, I'll let you continue. ठीक है. So अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक एक लीनियज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप एफ. ओके. ये पैट्रिलिनियल लीनियज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली. मतलब तब स्टार्ट हुआ था. यस. एंड दिस लीनियज, ये जो लीनियज है हैप्लोग्रुप एफ, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनियज है. ओके. सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स. तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनियज ये हैप्लोग्रुप एफ है. मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है. सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपांशन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो. और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लो ग्रुप्स है, एम और एन. ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं, बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो. एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं. सर, हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं. हाँ. और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था. हाँ, हाँ. पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे अल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, अल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है. आई फील कि ये भी एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहां अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे. हाँ. बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ. ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लो ग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं. सो क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन होता, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, यमन के आसपास वो होता. अब ये जो कुछ हज़ार लोग के आसपास थे, ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया. सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे. सो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है. बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ. मतलब मनुष्य, मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफी देर तक था, वहां से एक्सप्लोड होके जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया. क्रेजी. पर सर, क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि
जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है. ओके. सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का, तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है. उसका नाम है भिरान्ना. उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9,500 ईयर्स ओल्ड. ओके. और ये सो कॉल्ड हरप्पन ईरा का एक हिस्सा है. ठीक है. सो हरप्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है. पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 ईयर्स अगो. तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है. सो एटलीस्ट 9,500-10,000 ईयर्स पुराना है. और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैचूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल, आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है. अगर आप हरप्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैचूज मिले हैं, फीमेल स्टैचूज जिनके मांग में सिंदूर है. आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, अब भी वहाँ पर भी 5,000 साल पहले होते थे. तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं. और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है, हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए. तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10-15-20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट. और वो हमें पता भी नहीं अभी. हाँ, पता भी नहीं अभी होगा या नहीं होगा. हाँ. Crazy. I will let you move on to point number two, sir. तो अगर ये हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे, तो हज़ारों छोटे 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 सिटीज थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे. ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था. देश था एक देश. यस, देश पूरा, देश मान सकते हो. हाँ, पूरा अर्बन था. मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज थे ग्रिड सिस्टम के अनुसार. आज इंडिया के बड़े बड़े सिटीज आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है. हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है. ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ? ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है. एनीवे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से. और उस टाइम के जो सिटीज़ थे, सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था. और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5,000-6,000 साल पहले. कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन. क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विथ अलग 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 जगहों से. और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से रहते थे हमारे ही लोग. तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था. और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है. तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए. तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे. दुनिया का अमेरिका था तभी के, उस टाइम के ज़माने में. यस. और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा. तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था. अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था. यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे. इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे. सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड. तो ये बात है. और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है. ओके. अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये एकाध कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद. लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती. उसके बहुत बहुत रेफरेंसेस हैं और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है. जैसे आज गंगा माँ की बात होती है, वैसे ही सरस्वती. हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती. ओके.
अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2500 साल पहले, 3500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी? हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा एनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफ़ी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 years ago। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5000 साल पहले, 8000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारी किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना, वही ना, वही उससे ज्यादा पुराना, बहुत बहुत, यस डेफिनेटली होगा। ये हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेद, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर है। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मतलब कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज, एज इन टर्म्स ऑफ एज। ओके, सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3000-4000 साल से पुरानी नहीं है कोई भी। ओके, बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6000-8000 years पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। क्रेजी, हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ। क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, पर अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स हैं जो अभी तक अनलॉक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता है, हो सकता है। सर पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदड़ो हरप्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था, मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हरप्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था, उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था। लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक, हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने पुराने अर्बन सेंटर्स थे, बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हरप्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका। तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है
कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैनमेड ऑब्जेक्ट है, वो मैनमेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैनमेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है, महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लैनेट इस कंस्टेलेशन में था, एट्सेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज पाथ्स होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फेक फिक्टिशियस डेटा नहीं है। तो क्या कर, ये वीडियो कंप्लीट होती है, मींस इसके काफ़ी बड़ी वीडियो है ये, कम से कम इसके 3 से 4 पार्ट इससे बनाने पड़ेंगे। और ये जो वीडियो है वाकई में आंखें खोल देने वाली वीडियो है, जो कि हमें कभी आज तक कभी टेक्स्ट जो आपकी जो बुक्स हैं उनमें कभी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वही बात है कि इन 70 सालों में हिंदुइज्म पे कभी काम ही नहीं हुआ, ना कभी आर्कोलॉजिकल सर्वे हुए, ना कुछ हुआ, बस जो चल रहा था वही चल रहा था। अब जैसे इसमें अभी इन्होंने बताया है कि अब हम जैसे बिंदी वगैरह लगाते हैं या फिर मांग भरते हैं, तो ये हमारा कल्चर इतना कोई अभी का तो है नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति की जब बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो और ये, तो इसमें क्या है कि जो स्टैचू वगैरह जो मिले थे उसमें भी दिखा रखा था कि जो लेडी थी उसने अपने मांग में सिंदूर लगा रखा था, और जो शिव जी की पूजा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रूफ आपके उसमें मिले हैं। दूसरा इसमें जैसे बताया गया है कि जो जैसे यहाँ का जो रहन सहन था वो एक अर्बन सिटी, जैसे बहुत अच्छे हाई फाई उस टाइप से लोग यहाँ पर रहते थे, काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से लोग यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर जैसे इस कलेटल, ये जो स्टैचू, ये क्या, ये जो कंकाल वगैरह जो मिले हैं, ये अदर उसके हैं, ये इंडिया के मतलब लोगों के नहीं हैं, किसी और के हैं। तो इसे पता चलता है कि बाहर के लोग यहाँ पर आया करते थे, ठीक है, और बाहर से आए थे, आर्यन बोला जाता है या फिर जो भी है आर्य बोला जाता है। तो एक्चुअल में था क्या कि ये, क्योंकि ये गलत थ्योरी पेश की जाती है जिससे कि क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि अंग्रेज़ क्या है कि इनकी बातों पर जो भी बोलते हैं तो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने राज किया है, तो जो बोलेंगे ठीक ही बोलेंगे, ये माइंड में बिल्कुल बैठ चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या है कि जब इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो मानव सभ्यता जो जन्म हुआ था वो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीकन देश से कुछ लोग इंडिया में आए थे, इंडिया में काफ़ी टाइम तक जब वो रहे, उसके बाद में वो एक्सप्लोर मतलब वो हर जगह अलग अलग जगह पे चले गए, कोई जापान, कोई कहीं। तो इस तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ था, और सबसे पहले इंडिया में ही ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, और कहीं नहीं हुए थे, क्योंकि बताया जाता है कि 4-5 हज़ार साल पहले, मतलब ये जो यूरोप का पूछते हैं कि यूरोप क्या कर रहा था जब इंडिया डेवलप फेस पे था, बिल्कुल अच्छी वो था, यहाँ पर अर्बन सिटीज़ थी, ठीक है, अच्छा यहाँ पर व्यापार वगैरह होता था, तो और ये सब क्या कर रहे थे, और चाइना में क्या था, चाइना उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ था, और क्या बोलते हैं ये उसमें स्टोन एज में रहते थे, मतलब पत्थरों से ही आग निकालते जलाते थे, इस टाइप के लोग रहते थे। और इस तरीके से इन्होंने जैसे बताया, और इजिप्ट शुरू ही हुआ था उस वक्त, वहाँ पर जो है कल्चर वो जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोग गए थे, तो वो रहता ही है। दूसरा अब जैसे बताते हैं कि जी हमारे जो क्या बोलते हैं वेद वगैरह तो अभी के ही हैं, 3-4 हज़ार मतलब 2-2.5 हज़ार साल पुराने, क्योंकि डरते हैं ना हिंदू, आवाज़ नहीं उठा सकते, आवाज़ उठा देंगे तो जवान काट दी जाएगी, तो डरने की आदत है, ठीक है। और इसमें हिंदू की भी कोई गलती नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर आप पॉलिटिकल पावर आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आप कितने पावरफुल हैं, आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही हुआ था हमारे साथ में भी, इस वजह से हम कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और जैसे इन्होंने बताया है कि क्या बोलते हैं कि बहुत ही कम, इतनी काफ़ी कम एज थी, मतलब इनकी वो जो वहाँ पे सरस्वती नदी के बारे में बताया है कि ये तो 2-3 हज़ार साल पुरानी समथिंग की थी, तो वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में इनका वो किया गया है सरस्वती नदी का, कि ऋग्वेद का बताते हैं कि ये तो अभी 2-3 हज़ार साल पहले लिखे गए थे, ठीक है,
और जब उनका बताते हैं उसमें लिखा हुआ था कि सरस्वती नदी 6000 साल पुरानी, मतलब उस टाइम पे वो सूखने लगी थी, मतलब उस टाइम पे बहुत ही गरजती हुई नदी बताया जाता था। तो जब उस वक्त पे इस तरीके से बताया जाता था तो कैसे बोल सकते हैं कि ये मतलब ये तो अभी लिखे गए हैं, वेद जो है अभी लिखे गए। तो इसका मतलब इसे ये प्रूफ होता है कि आपके वेद जो हैं बहुत पुराने लिखे गए हैं। और संस्कृत लैंग्वेज 8-10 हज़ार साल पुरानी है, इसके आसपास कोई लैंग्वेज थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं एज सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये। तो बहुत सारी बातें हैं जिसे अपने आप को प्राउड फील होता है कि भाई यहाँ पे एक संस्कृति का बहुत ही बड़े पैमाने पर मतलब एक तरह का विकास हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले इधर ही हुआ था विकास, डेवलपमेंट यहीं हुई थी और बाद बाकी देश जो थे वहाँ पर मतलब सभ्यता का कोई जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, जहाँ पर गंगा नदी आपकी जारी है वहाँ पर लोग रहते थे, मतलब जैसे बंगाल है तो यहाँ पर वहाँ पर भी इस तरीके से ये अर्बन एरियाज इस तरीके से बने हुए थे। ठीक है, हड़प्पा, ये मोहनजोदाड़ो, ये इतने बड़े बड़े आपके हरियाणा में भी मिला हुआ है, बहुत पुराना है ये, पता नहीं कितने हज़ार साल पुराना बताया है इन्होंने। और दूसरा इसका बताया है कि जो साउथ में जो मंदिर हैं वो पानी के नीचे मिले हुए हैं, जिनको अभी तो उनका ये नहीं बताया गया कि कितने हज़ार साल पुराने हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना सर्च करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे मतलब करना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या है, जिससे कि अगर हमसे कोई सामने वाला कोई क्वेश्चन पुट करता है, ऐरे गहरे नथु खैरे कुछ भी आके कुछ भी पुट करके चले जाते हैं, तो उनको जवाब दे सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा जैसे बताते हैं कि अब ये बोलते हैं कि जी रामायण महाभारत तो मिथ थी, तो ये कहते हैं कि अगर रामायण महाभारत मिथ थी तो इतने सारे सबूत मिलते क्यों हैं, कहीं पे कुछ सबूत मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, तो ये पॉसिबल कैसे है, और जो आपके जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ एग्जैक्ट सटीक उसी जगह पर ही क्यों अवेलेबल है। ठीक है, जम्बूद्वीप का बताया था कि भाई वो वहाँ पर है, इस तरीके से मेरू पर्वत है, ये अगर मान लो ये सारी चीज़ें सही हैं तो वो भी सही होंगी ना, वो क्यों गलत हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या है कि वामपंथी विचारधारा जब मतलब कोई दूसरी विचारधारा, कोई दूसरी आइडियोलॉजी आ जाती है तो वो क्या करती है कि जो दूसरी आइडियोलॉजी को दबाने की कोशिश करती है, तो यही हुआ है हमारे साथ में। अब ये बोलते हैं कि महाभारत जो है और ये जो है हुए ही नहीं थे कृष्ण जी का, ये बताते हैं। तो ये जो द्वारका उसमें वो बताते हैं कि अर्जुन उनके सामने ही वो जब प्रलय मतलब जब समुद्र बिल्कुल पास में आ रहा था तो वो उनके आंखों के सामने हुआ था, तो वो जब बताते हैं जिक्र करते हैं और आप जब देखते हैं उसको क्या बोलते हैं ये इसके समुद्र के नीचे मिली है पूरी द्वारका अभी कुछ टाइम पहले ही। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सबूत ही है ना, ये तो जानबूझ के ये तो छुपाए जा रहे हैं, जिससे कि हिंदू ये समझे कि ये तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, हिंदुओं की तो कोई सभ्यता ही नहीं थी। अभी मैंने पता नहीं किसी बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कहते हैं कि 400-500 पहले से तो हिंदुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इनका तो कोई कुछ वजूद ही नहीं था, ये तो मुगल आए हैं तब से इनका वजूद बना है, मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग यार, सोचने से पहले बोलने से पहले सोच तो लिया करें, कभी साउथ के मंदिरों में चले जाएं आपके सारी आंखें खुल जाएंगी कि वजूद था या नहीं था। एक बार कैलाश मंदिर चले जाएं उसमें पता चल जाएगा, राजस्थान के मंदिर चले जाएं उसमें पता चल जाएगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ का जो सभ्यता थी वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं थी, पानी बढ़ते थे सब इनके सामने। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक तरीके से हमारे सामने हमारी ही संस्कृति का अपमान करना और हम उनके सामने तालियां पीटते रहना, ये हमारे लिए बड़े ही उसकी दुख की बात है। ठीक है, तो आवाज़ उठाना सीखें, कोई अगर गलत बोल रहा है तो उसको ना कहना सीखें। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है और कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि जब गलत चीज़ों को जब कोई प्रमोट करता है और बड़ा चढ़ा के बोलता है और उसी को ठीक बोलने की कोशिश करता है, बोलते ना कि 100 एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है, तो ऐसे ही हुआ है हमारे साथ में, हमारी सही चीज़ों को गलत बताया गया है और उनकी गलत चीज़ों को अच्छा बताया गया है, तो वही हमने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सही चीज़ मतलब सही होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है ये और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और बताएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, किस तरीके से हमारा रिएक्शन मतलब तरीका लगाइए, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हों और भी इस तरीके की वीडियोज़ को अपलोड करें। गुड बाय।